तो गाइस हम पहुंच चुके हैं रूम में। देख सकते हो कैसा रूम है ये। तो ये हमारा रूम है 3 दिन के लिए। आप देख सकते हो इसकी बालकनी कितनी प्यारी है। रितु थक चुके हैं, अब यहाँ पे होगा शूट, तो इधर का भी शूट बाकी है। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। कैसी लग रही कमेंट में जरूर बताना। Fuck yourself। तो गाइज देखो मैंने अब कर ली है साड़ी भी है। कैसी लग रही हूँ मैं? सब मुझे बोलते हैं साड़ी में वीडियो बनाओ, ओ यूट्यूब साड़ी में बनाओ, साड़ी में बनाओ, बट क्या करूँ, टाइम नहीं मिलता। दिखती नहीं रही, दिखती नहीं रही, कर लेती हूँ अब। अरे यार मैं टॉप्स लाना भूल गई, क्या करूँ, बैग रखो इधर, सारा बेकार कर दिया तुमने। इडियट गाइस, देखो ये ब्लाउज था बट मैं इसे पहन नहीं पाई क्योंकि मैंने इसे टाइट नहीं कराया है, बहुत लूज है ये। लाजपत नगर से लिया मैंने, वो भी कल, अब इसकी साड़ी लेना बाकी रह गई। गाइज ये रही मेरी दूसरी साड़ी, ये मेरी नहीं है, ये मेरी मम्मी की है, तो मैंने वियर करी, आप देख सकते हो माई मॉम साड़ी। प्यारी सी रूम में प्यारी सी लड़की और खूबसूरत साड़ी, इंडियन कल्चर। हेयर कैसे बनाऊं समझ नहीं आ रहा, की लेक्चर क्या है, दाल एंड राइस। रोटी भी तो थी, रोटी बोलना भूल गया है। ओके आ जाओ, मैं पागलों की तरह डांस करती हूँ गाइस, आप देख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। तो मैंने सोचा अगले दिन बाहर चली जाती हूँ मूवी देखने, तो मैंने कर लिया अकेले मूवी देखने के लिए। तो मैं आप पहुँच गई और ये सब मुझे मिले। तो हमने बुक किया हल्दीराम से क्योंकि नवरात्रि चल रहा था, तो नॉनवेज खा नहीं सकते थे, हम डिसाइड करने लगे क्या खाए और क्या ना खाए। फिलहाल हम पहुँच गए थिएटर में और देखने लगे मूवी।